स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के दोस्तों क्लास 9 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 9 का मैथ का 25 नवंबर का दोस्तों जो आपका वीकली टेस्ट होगा उसका दोस्तों हम लोग जो है 100%, ठीक है, 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, जिसके माध्यम से दोस्तों आपका 25 नवंबर को 40 में 40 नंबर आपका जो है पक्का हो जाएगा, ठीक है। 40 में 40 नंबर 100% दोस्तों ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और यदि दोस्तों आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के क्लास 9th मैथ का वीकली टेस्ट 25 नवंबर का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, जिसके कारण आपका 40 में 40 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग जो क्लास 9 मैथ का वीकली टेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए का प्रश्न सॉल्व करेंगे, जो कि आपका 20 नंबर का प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है 20 नंबर को पक्का करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न दोस्तों पूछा है, एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, बोला क्या बोला, जब एक आधार हो और एक समांतर रेखा है, उसके बीच में एक त्रिभुज हो और एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा, ठीक है। आधार भी एक हो, समांतर रेखाएं भी एक हो, उसके बीच में एक त्रिभुज बनाना है, एक समांतर चतुर्भुज बनाना है, तो उन दोनों के बीच का जो क्षेत्रफल होगा ये कैसा होगा। तो उन दोनों बीच का जो आपका क्षेत्रफल निकलेगा दोस्तों वो आधा निकलेगा, ठीक है, 1/2 निकलेगा, यानी कि 1:2 निकलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1:2, 1:2। तो दोस्तों जो ऑप्शन बता रहे उसी को टिक करके आइएगा, 40 में 40 नंबर आप पक्का करके आइएगा, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न दोस्तों कहता है, फिर से बोल रहा है दोस्तों 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। दूसरा नंबर दोस्तों कहता है, एक त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार आपका 24 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का ऊंचाई क्या होगा। हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। जब क्षेत्रफल कितना है 144 है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है, ठीक है, आप वीडियो को तुरंत देख लीजिए। देखिए आपका क्षेत्रफल हम यहाँ पर लिख लिए 144, ठीक है। क्षेत्रफल आपका होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार दोस्तों दिया गया, आधार यानी कि बेस आपका 24 है तो 24 लिख दीजिए, ऊंचाई नहीं दिया तो ऊंचाई निकालना तो एच हम लोग लिख दीजिए, ठीक है। 2 से 24 को काटेगा तो 12 में कट जाएगा, एच बराबर दोस्तों आ जाएगा 144/2 में क्या हो जाएगा 12। अब 12 को 144 से काटेगा तो ये दोस्तों 12 में चला जाएगा, यानी कि आपका जो हाइट निकलेगा ये आपका 12 निकलेगा, ठीक है। क्या निकलेगा, 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। एक त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, आधार 24 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज का जो ऊंचाई निकलेगा वो 12 सेंटीमीटर निकलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, तो 3 नंबर कहता है, किसी त्रिभुज की माध्यिका उस बिंदु को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो कोई भी त्रिभुज का माध्यिका हो, ठीक है, ये मान के चलिए एक त्रिभुज है, इसका माध्यिका हम यहाँ से एक बना दिए, ठीक है। तो ये दोस्तों देखेंगे कि एक यहाँ त्रिभुज बना रहा है, कि ये त्रिभुज बना रहा है, तो जो माध्यिका हम लोग जो पा रहे हैं, ठीक है, ये जो त्रिभुज बनाया, ये दो त्रिभुज बनाया, तो जो दो त्रिभुज बनाए कौन से अनुपात में विभाजित होगा, कौन से रेशियो में विभाजित होगा, कौन रूप में विभाजित होगा, तो ये बराबर रूप में विभाजित होगा। तो बराबर रूप को हम लोग जो है 1/1 के रूप में दर्शाते हैं, और 1/1 को हम लोग अनुपात में 1:1 लिखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1:1, 1:1, इसका हो जाएगा 3 का राइट आंसर, ठीक है। वीडियो दोस्तों अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर, ठीक है। 4 नंबर दोस्तों पूछा है, त्रिभुज एबीसी में ई माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज बीईडी और त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यदि त्रिभुज में जो आपका ये त्रिभुज है, ठीक है, एबीसी जिसमें दोस्तों आपका जो ये जो बीच का हो गया एडी जिसका मध्य बिंदु है ए, ठीक है, यहाँ पर हम नंबरिंग नहीं लिख रहे थे, चलिए लिख देते, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और ये एडी मध्य बिंदु, ये आपका हो गया यहाँ पर ई, इसका एडी आपका ये क्या हो गया, तो ये एसी का मध्य बिंदु है, ठीक है, एसी का हम लोग खींचे और एडी का मध्य बिंदु ई है। अब दोस्तों पूछा है कि त्रिभुज बीईडी जो आपका बी आपका हो गया बीईडी इस प्रकार से, ठीक है, और एबीसी ए बी सी ये पूरा में, ठीक है, इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग देखें दोस्तों, देखिए ये जो आपका ये पूरा एक चार है, एक है,
और ये दोस्तों एक यहाँ हो गया, एक दो, एक तीन, ये आपका चौथा भाग है। तो ये दोस्तों एक बट्टे चार होगा, एक चौथाई होगा। तो इसको हम लोग एक बट्टे चार को हम लोग एक अनुपात चार के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक अनुपात चार जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चार का राइट आंसर, ठीक है। चलिए पांच में दोस्तों कहता है बिंदु डी और ई क्रमश का त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और एसी पर इस प्रकार स्थित है कि आपका एरिया, ठीक है, एरिया डीबीसी आपका एरिया जो एबीसी है तो इट इक्वल टू, ठीक है। तो डीई एंड बीसी में क्या अंतर होगा, क्या संबंध होगा? यहाँ पर डीई और बीसी में जो संबंध होगा दोस्तों, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि टाइम नहीं, आप देख लीजिए ताकि आप 40 में 40 पक्का करके, ठीक है। जो होगा डीई जो होगा पैरेलल होगा बीसी का, ठीक है, डीई होगा पैरेलल बीसी का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं, 6 नंबर का होता है यानी कि 6 नंबर प्रश्न है कि डी आर एफ क्रमशः त्रिभुज एबीसी की भुजाएं क्रमशः बीसी सीए और एबी का मध्य बिंदु है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो कौन सत्य है, कौन सही है? तो जो सही है क्या, आपका एरिया डीईएफ जो आपका बराबर होगा एरिया ऑफ आपका एबीसी के, तो नहीं, ये तो नहीं है। बी ऑप्शन कहता है एरिया डीईएफ आपका एरिया हाफ एबीसी के बराबर होगा, ये भी नहीं है। तीसरा कहता है एरिया डीईएफ जो आपका 2/3 एरिया एबीसी के बराबर होगा, ये भी गलत है। चौथा कहता है एरिया डीईएफ आपका इज इक्वल टू होगा 1/4 एक चौथाई एबीसी का, यस ये सही है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 6 का डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए 7 नंबर दोस्तों कहता है किसी त्रिभुज की माध्यिका उस बिंदु को विभाजित करती है तो हमेशा दो क्या होता, हमेशा दो क्या मिलता है? देखिए जो त्रिभुज का जो माध्यिका होता है उसे त्रिभुज के जो विभाजित करता है उसमें बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज मिलते हैं, ठीक है। देखिए जो आपका ये त्रिभुज हुआ, इसका माध्यिका हुआ, तो ये दो त्रिभुज में बदला ना, तो दो त्रिभुज में बदले इनके बराबर क्षेत्रफल उसको दिया, ठीक है, बराबर अनुपात वाला क्षेत्रफल दिया। तो ऑप्शन नंबर डी कहेंगे बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बदल देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर दोस्तों कहता है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 324 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके विकर्ण द्वारा बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए डायरेक्ट क्या करना, कुछ नहीं करना, 324 से इसको 2 से डिवाइड दे दीजिए, कितना आ गया 162 आएगा, 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर, 8 का बी नंबर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 9-10 ऑब्जेक्टिव का लास्ट और दो प्रश्न है, और दोस्तों यहाँ तक पहुँच के जो चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब नहीं किए जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वीकली टेस्ट का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा है ताकि आप अच्छी तरह से देख के आए, ठीक है। चलिए 9 नंबर का था एक समलंब एबीसीडी जिसमें एबी पैरेलल है डीसी के, और यहाँ पर के विकर्ण एसी एंड, ठीक है, एसी एंड बीडी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते, यदि आपका एरिया त्रिभुज एओडी इज इक्वल टू होगा एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो एरिया ऑफ त्रिभुज बीओसी किसके बराबर होगा? तो एरिया ऑफ त्रिभुज बीसी को किसके बराबर होगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी x से दे दिया है, 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, x 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, दो दो ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन टिक कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों कहता है 10 नंबर ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न कहता है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं यदि भुजा a सेंटीमीटर है। अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा तो ये दोस्तों होता है क्या होता है, रूट अंडर 3/4, ठीक है। भुजा कितना है, ए है ए स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रूट अंडर 3/4 ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी 10 का राइट आंसर। इस प्रकार दोस्तों आप भी हम लोग क्लास 9th का क्या देखें, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन को देखें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो दोस्तों सब्जेक्टिव का भी ला सकते हैं, लेकिन नीचे कमेंट कीजिए सर सब्जेक्टिव का लेकर आइए, मैं जरूर लेकर आऊंगा, आप वीडियो को अंत तक देख लीजिए, ठीक है। और सब्जेक्टिव के लिए नेक्स्ट वीडियो में कमेंट, मतलब वीडियो में कमेंट कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास आए, और चैनल पर पहले बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, ठीक है। तो सब्जेक्टिव वाला वीडियो किसको चाहिए नीचे कमेंट कीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।